मैं बाहर वीडियो बना रहा था तो पुलिस ने आके मेरा वीडियो सारा डिलीट करवा दिया। देख सकते हो ऐसा कुछ दिखता है लक्सौर स्टेशन, मतलब क्लीन है, गंदा नहीं है। इसकी मैंने पे किया, ये फर्स्ट क्लास है, 115 इजिप्शियन पाउंड जो होते हैं 600 रुपया लगभग। इस साइड तो आ चुके आप देखे, तो ये देख सकते हो मेरे पीछे है लक्सौर टेम्पल, बाहर से पूरा देख सकते हो आप लक्सौर टेम्पल। तो बेसिकली ये सिटी जो है लक्सौर सिटी, ये पूरी की पूरा शहर ऐसा ओपन एयर म्यूजियम जैसा, आप जहाँ जाओगे आपको एक ना एक टेम्पल देखने मिलेगी। देख सकते हो मैं रोड पे चल रहा हूँ और ये है लक्सौर टेम्पल, और यहाँ आपको ऐसे ब्लैक हॉर्स का घोड़ा गाड़ी देखने मिलेंगे, ब्लैक वाले देख सकते हो। अप्रोच बड़ा तगड़ा करने वाले भाई, अगर आपके साथ लोकल नहीं है तो अप्रोच बहुत वो करते हैं कि भाई चलने का, चलो 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 चलो, आधा एक किलोमीटर आपके साथ चलने लग जाएंगे। तो देख सकते हो आप यहाँ से, आपको देखिए इधर से आपको पूरा अच्छा व्यू मिल जाएगा लक्सौर टेम्पल का, और यहाँ लक्सौर लिखा हुआ है, और यहाँ घोड़ा गाड़ी के स्टैंड है पूरे, देख सकते हो आप घोड़ा गाड़ी के स्टैंड है। और यहाँ से तकरीबन समझ लीजिए 5 मिनट की वॉकिंग है स्टेशन, लक्सौर स्टेशन काफ़ी पास में ही है, ईस्ट बैंक में है स्टेशन। लक्सौर में दो है, एक ईस्ट बैंक है नाइल के ये तरफ और वेस्ट बैंक है नाइल के वो तरफ। तो हमारा स्टेशन है लक्सौर ईस्ट बैंक में, तो ईस्ट बैंक। ओके, वी शुड टेक टैक्सी, ओके, एंड गिव 20 pounds और वी कैन गो फ्रॉम द हॉर्स कैरेज, हॉर्स ओके, हाउ मच इट विल टेक, मेबी 20 pounds, 20 pounds, ओके, आस्क हिम। तो शायद बोले 5 मिनट है, घोड़ा गाड़ी लेते हैं, 20 pounds देते ना, मैंने 20 pounds, ओके ठीक है। तो भाई घोड़ा गाड़ी ले लिए, देख सकते हो पीछे ये वाली जो कि बोल रही है 20 Egyptian pounds, ठीक है। वहीं आगे स्टेशन है, ज़्यादा नहीं समझ लीजिए, आधा किलोमीटर होगा मुश्किल है। ओके, सर बचा के भाई, सर संभाल के, तो बैठ गए हैं घोड़ा गाड़ी में। यू कमिंग फ्रॉम दिस साइड, कमिंग फ्रॉम दिस साइड, ओके, नो यू कांट टेक मी, ओनली हियर आई एम सिटिंग हियर, ओके यू आर सिटिंग इन फ्रंट, ओके My friend, open this for you, for you, for good, it will be good. No, if you cannot open it, it's fine, it's fine. That's how you do. खोल रहा है ये ऊपर वाला, खोल रहे हैं। Open? Yeah, that's good. The sunlight is coming now. Moonlight, yeah. ओ भाई ये ना लूटें, क्योंकि मैं पहले एक बार लूट चुका हूँ 350 बोल के, भाई उन्होंने 600-700-800 जो भी ले लिया था भाई, क्या बताऊँ। लेकिन इधर तो 20 की बात हुई, देखते हैं कितना, ज़्यादा से ज़्यादा 50 लेंगे। आप हर वक्त रेडी रहना भाई, हर दम 56 रहने का भाई इनके साथ, क्योंकि यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीबडी हियर। इंग्लिश समझते हैं भाई, चलते हैं स्टेशन। देख सकते हो पहुँच गए लक्सौर स्टेशन, ये सामने ही लक्सौर स्टेशन आप देख सकते हो, लक्सौर रेलवे स्टेशन। और तो अभी चलते हैं, पहले एटीएम से पैसा निकालना है, क्योंकि इजिप्शियन कैश खत्म हो गया थोड़ा सा, तो थोड़ा सा तो चाहिए रहेगा, एटलीस्ट 500 तो। वी हैव टू गो फ्रॉम दिस साइड, तो हम पहुंच चुके हैं लक्सौर स्टेशन। बस समझ लीजिए अभी ट्रेन में आधा घंटा यहाँ बैठ के कॉफ़ी पी रहे हैं, देख सकते हो कॉफ़ी शॉप एकदम स्टेशन पे, पीछे स्टेशन है और इधर टिकट काउंटर है। तो टिकट मैंने कल रात में ही निकाल लिया था, अराउंड 115 इजिप्शियन पाउंड की पड़ी, जो होते अराउंड 600 रुपया। तो लक्सौर से सुबह 3-3.5 घंटा लगेंगे उसके लिए, तो कॉफ़ी पी के फट से निकलते हैं, टाइम बहुत कम बचा है, आधा घंटा ही सिर्फ बचा है, और यहाँ ट्रेन ज़्यादा टाइम रुकती नहीं है, तो चलेंगे जल्दी जल्दी, मिलते हैं आपको ट्रेन में। तो भाई टाइम से एकदम बराबर पहुंच गए हैं, देख सकते हो यही ट्रेन है, तो अभी अंदर चलते हैं। अभी समझ लीजिए 10 मिनट बाकी है, 10 से 15 मिनट बाकी है अभी ट्रेन स्टार्ट होने में। देख सकते हो ऐसा कुछ दिखता है लक्सौर स्टेशन बाहर का, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मतलब क्लीन है, गंदा नहीं है। तो 3 घंटे के सफ़र होने वाला है, अभी चलते हैं अंदर, सामान वामान रखते हैं सारा, तो मिलते हैं आपको ट्रेन में। सामान सारी चीज़ें रख दी ऊपर, बस ये सीटें, बस एक चीज़ की यहाँ प्रॉब्लम क्या रहती है कि यहाँ चार्जिंग पॉइंट नहीं है। चार्जिंग पॉइंट रहता तो भाई मज़ा आ जाती है, क्योंकि चार्जिंग नहीं रहती तो फिर इंजन उधर जाना पड़ता है। और एक और चीज़ आपको मैं बताता हूँ इजिप्शियन ट्रेन की, जैसे आप हमारे यहाँ वॉशरूम होता है, यहाँ वॉशरूम नहीं होता है, यहाँ मीटर रूम होता है। देखिए वहाँ वॉशरूम है, जैसे हमारे यहाँ डब्बा ख़त्म होते साथ ही वॉशरूम है, तो यहाँ हर जगह वॉशरूम नहीं रहता है वैसा। तो और ज़्यादातर इजिप्ट में जो ट्रेन चलती है, क्योंकि इजिप्ट इतना वो बड़ा नहीं है,
तो सब सिटिंग ट्रेन चलती है, स्लीपिंग ट्रेन है लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। अगर आप लॉन्ग जर्नी पे सफ़र करने वाले जैसे फ्रॉम कायरो टू असवान जा रहे हो तो ठीक है, उसका प्राइस स्टार्टिंग प्राइस ही होती है अराउंड समझ लीजिए $120 जो होता है, 10,000 रुपये से स्टार्टिंग है वो स्लीपिंग ट्रेन की। और इसकी मैंने पे की है, ये फर्स्ट क्लास है तो इसके मैंने पे की है अराउंड 115 इजिप्शियन पाउंड जो होते हैं 600 रुपये लगभग। तो पीछे साइड उधर सेकेंड क्लास है, फिर उसके बाद जनरल कंपार्टमेंट है। तो ऐसा कुछ अभी तक कोई आया ही नहीं, देख सकते हो लग्जौर स्टेशन और एक और ट्रेन खड़ी है वहाँ सामने असवान प्लेटफॉर्म। तो असवान तो ये तरफ है, हमको जाना है ये तरफ सुहाग की तरफ। ये मेरी सीट है 36 विंडो, सामान मैंने ऊपर रख दिया है। तो यासिर भाई ने बहुत हेल्प करी, यहाँ तक छोड़ने भी आए, सामान भी पूरा रखवा दिए हैं। देख सकते हो ऐसी कुछ ट्रेन दिखती है इजिप्ट की, तो एक साइड 2 सीट रहती है और एक साइड 1 सीट रहती है। ये फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास में 2-2 रहती है, 4 रहती है, छोटी छोटी सीट रहती है, फिर उसके बाद जनरल होता है। तो ये फर्स्ट क्लास है, 10 मिनट बाकी, अभी तक कोई आया नहीं, अभी तक साफ सफाई चल रही है। तो बैठते हैं, ये हमारी सीट रहने वाली है, 3 घंटा लगने वाला है सफ़र में। एंड थैंक यू ब्रदर यासिर, किसी को आना है इजिप्ट, एनीवन कमिंग लक्सौर कॉन्टैक्ट है, यू कैन कॉल मी एंड दिस मैन गुड मैन टेल यू माय नंबर। तो भाई स्टेशन की ये साइड एकदम खाली है, क्योंकि ये स्टेशन तो देख सकते हो वहाँ एंड हो रहा है, ये फर्स्ट क्लास का जो कंपार्टमेंट रहता है वो एकदम आगे रहता है। तो देख सकते हो काफ़ी कुछ इंडिया जैसा है, पीछे देखिए घर और बाकी सारी चीज़ें इंडिया जैसी है। हाँ, ऐसा लग ही नहीं रहा कि कहीं बाहर है इंडिया का, खाली ट्रेन में थोड़ा फ़र्क होता है, जैसे देख सकते हो आप ये अलग थोड़ी टाइप की ट्रेन चलती है, इंडिया में थोड़ी सी अलग होती है। बट ये स्लीपिंग ट्रेन है, ये सिटिंग ट्रेन है। जो मैं बाहर वीडियो बना रहा था तो पुलिस ने आके मेरा वीडियो सारा डिलीट करवा दिया, बट मैंने पूरा रिसेंटली डिलीटेड में बचा हुआ है वो, तो उनको क्या मालूम, आके पूछे क्यों बना रहे वीडियो, क्या है कैसा, और सारा वीडियो डिलीट कर दो, स्टेशन पे वीडियो नहीं बना सकते। तो मैं डिलीट तो कर दिया बट मेरे पास है अभी भी। तो काफ़ी अच्छे, मतलब कुछ रूडली नहीं बोले, खाली अच्छे से बोले कि वीडियो डिलीट कर दो, स्टेशन पे वीडियो नहीं बना सकते हैं। तो मैंने डिलीट कर दिया और पूछे कहाँ से कैसे क्या, मतलब फिर आगे थोड़ी अच्छी ठीक ठाक कन्वर्सेशन की है। ठीक है, चलता है भाई, ऐसा अगर अच्छे से आके बोले तो बहुत अच्छा भी लगता है। है तो ये सिटिंग ट्रेन, बट इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, आप इसको यहाँ से बटन प्रेस करके इधर से आप पीछे भी ले सकते हो, तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी ज़्यादा पीछे हो जाता है, ऐसा लगता है कि आप लेटे ही हैं लगभग। और यहाँ का जो लेग स्पेस है, यहाँ भी ये देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छा लेग स्पेस है, यहाँ से ऊपर नीचे भी कर सकते हो उसको यहाँ से प्रेस करके, तो आराम से यहाँ लेटेंगे, यहाँ से व्यू इन्जॉय करेंगे। 3.5 घंटा लगने वाला है, तो मिलते हैं आपको आगे, कुछ इंटरेस्टिंग दिखा तो आपको थोड़ा सा व्यू भी दिखा दूंगा, और कुछ इंटरेस्टिंग दिखा तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो यहाँ कॉफ़ी रखी हुई है, मस्त हमेशा लेटेंगे और जाएंगे सुहाग। तो चल पड़ी है हमारी ट्रेन, बट ये देखिए ये क्या हो गया, जो विंडो का ग्लास है कितना ज़्यादा गंदा है, मैंने इसको पहले नहीं देखा, अगर मैं पहले देखता तो मैं खुद से इसको क्लीन कर देता बाहर जाके, बट एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा। वैसे देखिए स्टेशन में आज ज़्यादा क्राउड ही नहीं है, मतलब लोग आपको दिख रहे ही नहीं है, बहुत कम क्राउड है। लग्जौर स्टेशन यूजुअली भरा रहता है लेकिन आज खाली है, क्या मालूम शायद ये टाइम की वजह से, क्योंकि हमारी ट्रेन है दोपहर के 1 बजे, तो शायद शाम में या फिर सुबह में क्राउड होता होगा। ऐसे दिखते हैं इजिप्शियन ट्रेन के वॉशरूम, ये रहा बेसिन, और ये सारा कुछ स्पेस है ऐसा।
पहुंच गया हूं सोहाग। आप देख सकते हो ट्रेन बाजू में खड़ी हुई है। यहां से तकरीबन समझ लीजिए 40 किलोमीटर है। तो मैंने एक से पूछा कि कैसे जाया जाए, तो वो बोले कि टैक्सी पकड़ लीजिए यहां से, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो वो बोल रहे हैं कि 100 से 150 इजिप्शियन पाउंड लेगी यहां से, और तकरीबन 1 घंटा लगेगा। तो देखते हैं कैसे क्या होता है, ज़्यादा चार्ज ना कर लें। और अभी बज रहा है 4:30 बज रहा है, 1 घंटे में पहुँचेंगे 5:30, फ्लाइट है 10:30 की। तो ठीक है, टैक्सी मिलती है तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये ट्रेन खड़ी हुई है, ये सारा सोहाग स्टेशन। तो चलते हैं सबसे पहले बाहर। और तो भाई मिल गई है टैक्सी सोहाग रेलवे स्टेशन के एकदम जस्ट सामने से। 150 इजिप्शियन पाउंड ले रहे हैं एयरपोर्ट का, जो कि 1 घंटा लग गया, जो कि ठीक ही है। तो आप देख सकते हैं ये सिटी थोड़ी सी अलग है बाकी सिटी से, मतलब थोड़ा सा गांव जैसा। ये कोई टूरिस्टी प्लेस नहीं। यहाँ से टिकट सस्ती मिल रही थी तो इसलिए मैं यहाँ से टिकट बुक किया। तो इजिप्ट की हर सिटी ना थोड़ी थोड़ी हर सिटी से डिफरेंट है, मतलब हर सिटी सेम नहीं है। तो अब लगने वाला 1 घंटा, आराम से भाई के साथ बैठ के जाएंगे सोहाग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 150 में बात हुई, बोला भाई मेरे पास 150 ही बचे हुए सिर्फ, तो उतने ही ले लो, बाकी तो मेरे पास इंडिया की करेंसी पड़ी हुई है। ये जगह हकीकत में कुछ ज़्यादा ही सिमिलर है हमारे इंडिया से। देख सकते हो आप साइड में दुकानें, देखिए ऐसे हमारे यहाँ भी होती है, और स्टॉल्स भी साइड में पूरे लगे हुए हैं। लोग भी बिल्कुल हमारे इंडिया जैसे ही दिखते हैं, वो तो सारे पूरे इजिप्ट में दिखते हैं, बट यहाँ दुकानें और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही सिमिलैरिटी है हमारे इंडिया से। वो ये देखिए भाई तो दिल्ली की सड़कों पर चलते हुए दिल्ली दिख रहा है भाई, बिल्कुल दिल्ली दिख रहा है। दिल्ली क्या, हर जगह इंडिया में हमारा ऐसे ही रहता है। देखिए भाई साहब, तो भाई एक जगह रुक गए हैं पेट्रोल भराने। पीछे देख सकते हो पेट्रोल नहीं, शायद सीएनजी गाड़ी है, तो सीएनजी भरा रहे हो। देख सकते हो आसपास का माहौल, ये हमारी गाड़ी है उधर सामने, और ये देख सकते हो सोहाग की सड़कें, काफ़ी अलग सिटी है। ये देखिए भाई, ये तो सारा सिस्टम ही उल्टा है। तो भाई अभी गैस भरवाने रुके थे, तो वे लोग भाई सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया था। पब्लिक आके बोल रही है चाय चाहिए कुछ चाहिए, मतलब ये थोड़ा गांव टाइप एरिया है, तो यहाँ ज़्यादा टूरिस्ट आते नहीं हैं, इसलिए पूरे पेट्रोल पंप पे जितने पेट्रोल भरा रहे थे जो काम करने वाले थे सारे आ गए, चाय पीने हैं, कुछ पीना है, कहाँ से आए हो, क्या नाम है। तो ऐसी बातें हुई, और जैसे कायरो में और इधर होता है वहाँ तो टूरिस्ट आते हैं बहुत, तो वहाँ इतना कुछ वो नहीं है, लेकिन यहाँ थोड़ा अलग लगा, देखे थोड़ा अच्छा लगा भाई। तो अब चलते हैं वापस, सफ़र स्टार्ट, सफ़र कंटिन्यू हो चुका है। तो ऑलमोस्ट हम पहुँच गए हैं सोहाग एयरपोर्ट, आप देख सकते हो सामने, लेकिन यहाँ लिखा है SUHAG, नॉर्मल मेरी टिकट पे लिखा है SOHAG। ठीक है, तो चलते हैं एयरपोर्ट। पहुँच गया हूँ सोहाग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मेरे पीछे देख सकते हो, पीछे मुझे टैक्सी नहीं उतारा, तो पुलिस वाले भाई थोड़ा सा नीचे रखना पड़ेगा। भाई एकदम बड़ा छोटा सा एयरपोर्ट है, आप देख सकते हो मेरे पीछे, एकदम छोटा सा है, सिर्फ एक छोटी सी बिल्डिंग है और बाकी पूरा खाली है। मतलब एयरपोर्ट आने से 5-6 किलोमीटर पहले से कुछ भी नहीं था, एकदम खाली है। आप ये साइड देख ही सकते हो, सामने डिपार्चर हॉल है, अंदर मैं आपको मिलता हूँ, थोड़ा प्रिंट आउट भी लेना है। तो मैं अंदर जा रहा था तो पुलिस वाले ने रोक दिया, बोला अभी नहीं जा सकते, थोड़ा आधा घंटा आपको बाहर रुकना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी फ्लाइट है 10 बजे की और अभी बज रहे हैं 5:30, तो आधे घंटे बाद आना, सामने कॉफ़ी शॉप है इधर, तो वहाँ जाके थोड़ा बैठ जाइए। तो यहाँ थोड़ा सा बैठते हैं, टाइम पास करते हैं। देखिए एयरपोर्ट सारा, बस ये इतना सा टर्मिनल है, वही सेम बिल्डिंग में अराइवल डिपार्चर दोनों ही है, बाजू में ही है। तो थोड़े कॉफ़ी शॉप पे आराम करेंगे, वैसे तो इजिप्शियन पाउंड ख़त्म हो गए हैं, डॉलर बचे हैं, तो वही यूज़ करना पड़ेगा। तो एयरपोर्ट के जस्ट सामने ही एक छोटी सी कॉफ़ी की दुकान, तो नहीं बोलेंगे मतलब ऐसी नॉर्मल जनरल स्टोर है। तो यहाँ आ गया, $3 दिए मैंने, $3 में मुझे ये मिला और एक कॉफ़ी, ठीक है $3 में क्या चाहिए एयरपोर्ट पे। बस अभी आधा घंटा टाइम पास करेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे अंदर।